भार टीवी चैनल में स्वागत है मैं हूं श्याम यादव आज आपको ऐसे लोकप्रिय गायक स्वामी आधार चेतनी से रूबरू कराने जा रहा हूं और अभी हम उनके निवास पे हैं और आप देखिएगा ये उनका निवास है और ये उनकी एक पट्टी का लगी हुई है ये उनका घर बना हुआ है और हम आपको जो हमारे मध्य में काफ़ी चर्चित चेहरे रहे एक लोकप्रिय गायक रहे उनसे आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ और आज हमारे सामने हैं और उन्हीं के नाम से ये चैनल हमने खोला है नमस्कार स्वामी जी नमस्कार जी uh, स्वामी जी ये थोड़ा सा आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताएं हम अपने जीवन के बारे में बस यही बताते हैं कि मैं ग्यारह साल की उम्र में जी अनाथ हो गया था जी पिताजी का साया मेरे सर से उठ गया जी शिक्षा दीक्षा भी हमने मेहनत से जैसी कुछ कर पाई स्कोर को ईटा से की जी। उसके बाद में माँ सरस्वती की कृपा से महान पुरुषों की गाथाएं हमने गाँव गाँव में गा करके जागृत किया लोगों को कि हमारे भारत में बड़े बड़े सुंदर अवतार भगवान कृष्ण राम रामतीर्थ विवेकानंद बिरजानंद दयानंद इन ऋषियों की गाथाओं को सुना करके जी। प्राचीन गर्मा को याद दिलाया जनता को जी। उसके बाद में मैं पहुंचा कोरावली में जी। तो वहां पर अबलाग राठौर जी राम शरण राठौर जी इनसे हमारी मुलाकात हुई तो ये लोग भी उस समय बहुत निम्न श्रेणी के थे जैसा मैं था जी मैं स्वामी जी ये पूछना चाहूँगा कि, कितनी उम्र में आपको गायक बनने का शौक लगा ग्यारह साल की उम्र में जी मैं गाने का मेरे ऊपर वो नशा सवार था जी कि मैं अकेला भी कहीं बैठा हूं तो जो जोर से गाता था जी रास्ता चलते हुए जो जोर से गाता था जी महफिल में फिर गाना जब हमने शुरू किया है तो पहले तो मुझे अपमान मिले हैं जी लोग उनका बैठ जाओ जी उसके बाद में धीरे धीरे जब हमारी कला में निखार आने लगा तो जनता के हम लोकप्रिय बने जी जी स्वामी जी आपके जीवन से एक नाम जुड़ा हुआ है वो है नारद जी ढोलक वादक जो कि स्टार्टिंग से आज तक आपके साथ में हैं उनके लिए क्या कहना है आपका नारद शर्मा हैं जी मैथुल ब्राह्मण जिनको कहते हैं बड़े ही कहते हैं जी और ये नारद जो है ना जी हमारा अंग बन चुके हैं जी ढोलक वादक हैं जी बहुत सीधे हैं जी तो चालीस सालें हो गई हैं नारद को मेरे साथ नारद के बिना हम अधूरे हैं और नारद ही हमारे लिए सब कुछ है इसलिए नारद को हम बहुत प्रिय लग रहे हैं और नारद भी हमसे अलग नहीं हो रहे हम उनसे अलग नहीं हो पाएंगे जी, कई बार नारद को लोगों ने लोभ दिया कि स्वामी जी को छोड़ दो तो नारद ने एक ही जवाब दिया जी, कि कह तो हम ना रहें या वो न रहें तब हमारा साथ छूट सकता है जी आ, आ, स्वामी जी आ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका कोई शौक रहा हो जैसे आ, कुछ बनना है डॉक्टर मास्टर या कोई अन्य आ, किसी काम में आपकी दिलचस्पी रही हो किसी में नहीं अगर हमारी दिलचस्पी रही है तो सिर्फ परमात्मा के भजन में जी सुबह शाम प्रभु का ध्यान करना अगर हमारी दिलचस्पी रही है तो सिर्फ प्राचीन महापुरुषों की गाथाओं में और मैंने हमेशा उमंगित होकर के उनकी गाथाएं समाज में प्रस्तुत की बस इसके अलावा मेरे ऊपर कोई नशा ही नहीं था धन का भी नशा नहीं था मैं धन पैदा कर लूं सिर्फ एक ही नशा था कि जब मेरी कथा सुंदर बनती थी लोग हमारी गाथाओं में गाते समय बिलक बिलक के रोने लगते थे दर्द भरी गाथाओं में तो उस समय हम समझते थे कि हमारा सब कुछ सार्थक हो गया जी स्वामी जी मैं पूछना चाहूँगा कि मुलायम सिंह यादव जी के परिवार से आपके बहुत अच्छे संबंध बताए गए हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है मैं समाजवादी पार्टी से अभी से नहीं जुड़ा हूँ जब चौधरी मुलायम सिंह यादव चरण सिंह चौधरी साहब के साथ जुड़े हुए थे हम तभी से इनके पीछे पीछे चलते आए और सदा समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हुए समाज को दर्शाते रहे हैं कि मुलायम सिंह एक बोहस्ती हैं कि यही चर्चा रूस में और यही जापान में है मिस्र तर्की में यही और अरब ईरान में है अमेरिका में है यही और इंग्लिस्तान में है आदमी तो एक मुलायम सिंह हिंदुस्तान में है मैं हमेशा ये समाज को बताता रहा और जो समाज के लिए उन्होंने किया वो आपसे भी नहीं छुपा है आ, स्वामी जी आ, आ, पब्लिक में एक चर्चा है कि एक ज़माना था कि स्वामी जी के लिए मुलायम सिंह यादव कविताएं लिखा करते थे क्या ये सच है मुलायम सिंह यादव हमारे लिए जी नहीं ऐसा नहीं